नमस्कार, आज की पुस्तक चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। और पुस्तक चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं वो एक किताब है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। उसके लेखक हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय और उनकी किताब का नाम है विकास के पथ पर भारत। तो ये किताब ऐसे समय में आई है जब बार बार ये प्रश्न उठता है कि मोदी सरकार ने 5 साल में क्या किया। तो मोदी सरकार ने 5 साल में क्या किया, जब भी कोई ये प्रश्न पूछे तो उसे सौरभ मालवीय की इस किताब को पढ़ने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं कि उसको बताइए कि इस किताब को पढ़िए, आपको समझ आएगा कि मोदी सरकार ने 5 साल में क्या किया। हालांकि हमको यह पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, पुस्तक को देख करके ये पूर्वाग्रह आ सकता है कि मोदी के का यशोगान करने के लिए या उनकी सरकार की प्रशंसा करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। ऐसा नहीं है, इस पुस्तक को लिखा गया है सामान्य लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए ये योजनाएं, सरकार कोई भी सरकार हो, सरकार योजनाएं बनाती है लोक कल्याण के लिए और लोगों के लिए, लोगों के बेहतर जीवन के लिए। लेकिन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं है। उसका कारण है कि सरकार के प्रचार प्रसार पर इतना लोग भरोसा करते नहीं और दूसरे लोग उन योजनाओं को पहुँचाते नहीं। दूसरा, भाषा की क्लिष्टता भी इसमें एक बाधा बनती है। तो इस पुस्तक में मोदी की सारी योजनाएं तो नहीं है, मोदी सरकार की सारी योजनाएं इस पुस्तक में नहीं है। कुल जमा उन्होंने 34 बड़ी योजनाओं को इस पुस्तक में शामिल किया है और उनको सरल ढंग से, सरल भाषा में और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया है और लोगों को ये बताया है कि ये कौन सी योजना कब शुरू हुई, उसका उद्देश्य क्या था और उसके परिणाम क्या आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस संदर्भ में देखें तो ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके जन सामान्य के लिए, जो लोग मोदी सरकार के काम को समझना चाहते हैं उनके लिए, और जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं ये पुस्तक उनके लिए भी है, और जो जनता के बीच और सरकार, जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं, ऐसे एनजीओस के लिए, ऐसे सोशल वर्कर के लिए ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वो इसमें देख करके, इसमें पढ़ करके और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक लेके जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांव में बसता है और गांव का विकास किए बिना भारत का विकास हो नहीं सकता। तो जब विकास के पथ पर भारत शीर्षक नाम लेखक ने तय किया होगा तो उसी समय उनके उसके जहन में ये ख्याल आया होगा कि इसमें मोदी सरकार ने गांव की बेहतरी के लिए, खेती की बेहतरी के लिए, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएँ चलाई हैं उनको शामिल किया जाए। तो इस पुस्तक के प्रारंभ में ही, पहले ही हिस्से में मोदी सरकार की 9 बड़ी योजनाएं जो खेती किसानी और गांव से जुड़ी हुई हैं उन सब योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। आवरण प्रश्न भी ऐसा ही, आवरण प्रश्न में भी दिखता है कि एक तरफ स्मार्ट सिटी है तो एक तरफ खिलखिलाता हुआ किसान का चेहरा है, स्मार्ट विलेज की बात है। इसके साथ ही इस पुस्तक में महिलाओं के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं उन सब का विवरण भी इस पुस्तक में है। और ख़ास करके मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार, उस पर एक आरोप लगता है कि वो मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं करते, जबकि इसके उलट है। इस पुस्तक में महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसे कानून लाने की बात है, उसका विस्तार से जिक्र नहीं है क्योंकि वो योजना नहीं है, इसलिए उसका विस्तार से जिक्र नहीं, उसका थोड़ी सी चर्चा इस पुस्तक में आई है। लेकिन महिलाओं को हज पे जाने में सहूलियत देने में सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई, हज नीति में संशोधन किया, अब मुस्लिम महिलाएं अकेली भी हज पे जा सकती हैं। पहले उन्हें किसी मर्द साथी, पिता, भाई या पति के साथ जाना पड़ता था, लेकिन नई नीति के अंतर्गत अब महिलाएं अकेली भी हज पर जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने की। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना थी, अभियान था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाया था
बेटी बचाओ अभियान, वो इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण अभियान है नारी सशक्तिकरण का कि उसको प्रधानमंत्री जी ने हाथों हाथ लिया और उसको एक कदम आगे लेकर के गए। वो उसको उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में राष्ट्रीय अभियान बना दिया, और उस अभियान के बारे में भी, उस योजना के बारे में भी इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक बड़े महत्वपूर्ण समय पे आई है। हालांकि पुस्तक के प्रकाशन का समय तो प्रकाशक ही तय करता है कि उसे किस समय पे उसको प्रकाशन करना है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसमें 34 योजनाएँ हैं, बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं और उन जनता उनका लाभ उठा सकती है। तो लेखक ने भी स्पष्ट किया है अपने मनोगत में कि ये पुस्तक जनता के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो सरकार से लाभ लेना चाहते हैं और सरकार ने उनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं उन तक पहुंचाना ये लेखक का भी मंतव्य रहा है। इसी उद्देश्य के साथ इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक की रचना का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि किसी सरकार की प्रशंसा करना या किसी सरकार का यशोगान करना, बल्कि जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उनका लाभ कैसे लोग ले पाएँ, ये इस किताब का उद्देश्य है। इसको पुस्तक को प्रकाशित किया है यस पब्लिकेशन नई दिल्ली ने, और ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है वो हार्ड बाउंड है, इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे को लगता है इसकी कीमत 395 रुपये ही है। आप इस पुस्तक को ख़रीद सकते हैं, खासकर जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास करके जो जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं और जनहितैषी योजनाओं के लिए काम करते हैं वो लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं। उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाकी लोग जो मोदी सरकार की योजनाओं को पढ़ना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काम की पुस्तक है। तो इस अंक में इतना ही। हाँ, एक और बात, इस किताब की जो समीक्षा है वो मैंने अपने ब्लॉग पर भी की है। आपको ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के इस किताब की पूरी समीक्षा भी पढ़ सकते हैं। तो इस अंक में, पुस्तक चर्चा के इस अंक में बस इतना ही, और फिर अगले अंक में हम एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।